आप भी वेलकम है, आपकी टीम भी वेलकम है। टीम आपकी पाकिस्तान की यहाँ पे आएगी, मैं आपका इंतजार करूंगा, आप आइए वर्ल्ड कप में। देखिए पाकिस्तान के फैन फॉलोइंग तो है ना, कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको होस्ट करेंगे। पाकिस्तान ऊपर जा रहा है और शायद इंडिया भी पीक टच कर चुका है। आप ट्रांजिशन में आए और अब यंग कप्तान बाबर, यंग टीम हो गई। आपने दो आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा भी किया, एक में सेमीफाइनल खेले, एक में फाइनल खेले, हमारी तो वो रह गई ना, हम तो फाइनल में नहीं पहुंच पाए। आप T20 बहुत अच्छा खेले हैं, क्या आप उसको वनडे में रेप्लीकेट कर पाएंगे? प्रेशर किसके ऊपर होगा, इंडियन टीम के ऊपर या पाकिस्तानी टीम के ऊपर? इंडिया पे होगा, बिकॉज 2017-17 चैंपियंस ट्रॉफी आप लोग जीते, उसके बाद पाकिस्तान एशिया कप भी जीत गया, तो वो मोमेंटम लेके आप वर्ल्ड कप में जाएंगे। अच्छा, ये जरूर मेरा मानना है इन कंडीशंस में पाकिस्तान टॉप चार टीमों में से डेफिनेटली एक होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद फुल वीडियो की जानिब चलेंगे। भारत के मशहूर सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने पाक भारत के हवाले से ताज़ा रद्देमल का इजहार किया है। इस हवाले से हम देखेंगे कि क्या कुछ इन्होंने कहा है। पाकिस्तान के मशहूर स्पोर्ट्स सहाफ़ी सोहराब बरकत के साथ इन्होंने इंटरव्यू किया, इस हवाले से वीडियो की जानिब चलेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो की जानिब। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सर विक्रांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। सर विक्रांत, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं सबसे पहले कि एक बहुत बड़ी गेम है और इंडिया और पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान इंडिया में जाकर खेलता है स्पेशली वर्ल्ड कप की मैं बातचीत करूं, माहौल क्या है, कितनी बड़ी एक्साइटमेंट है, कितना बड़ा गेम होगा और कितना बड़ा वर्ल्ड कप होगा? ये 12 साल बाद मतलब हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप होगा, सब कॉन्टिनेंट में तो आपको याद है 2011 में हुआ था, उस लिहाज से बड़ा वर्ल्ड कप है। और आई थिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज देखिए 12 साल से वर्ल्ड कप हम भी नहीं जीते, आप तो 1992 के बाद से वर्ल्ड कप नहीं जीते, और आपकी टीम क्योंकि ट्रांजिशन से निकल चुकी है, हमारी टीम शायद इस वर्ल्ड कप के बाद ट्रांजिशन में जाएगी। जब होता क्या है ना, आप ट्रांजिशन में आए और अब यंग कप्तान बाबर, यंग टीम, यंग इन द सेंस की एक उम्र के, और वो टीम आपकी बननी शुरू हो गई। आपने दो आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा भी किया, एक में सेमीफाइनल खेले, एक में फाइनल खेले, तो टीम ऐसे ही बनती है। अब आपकी टीम ऊपर जा रही है, हमारा ये है कि हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और भी खिलाड़ी हैं, तो ये शायद पीक इंडिया टच कर चुका है जी। अब इसके बाद ऑब्वियसली जब नए खिलाड़ी आएंगे हम नीचे आएंगे, फिर से हम दोबारा बनने की कोशिश करेंगे। तो अब सवाल यही है ना कि जो पाकिस्तान ऊपर जा रहा है और शायद इंडिया अपनी पीक टच कर चुका है, तो वो कितना फर्क रह जाता है, क्या फर्क है भी है कि नहीं है? क्योंकि सौरव गांगुली ने भी उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी अब इंडिया पाकिस्तान मैचों में उतना मजा नहीं आता मैचेस। मैं उनसे इस बात पर तो इत्तेफाक नहीं रखूंगा दादा से कि वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, बिकॉज 2017-17 चैंपियंस ट्रॉफी आप लोग जीते, उसके बाद से 19 वर्ल्ड कप हम जीते, फिर T20s में भी आपने देखा इंडिया पाकिस्तान जितने मैच खेलते हैं, भाई मैच तो बड़े लड़ाई वाले मैच होते हैं, जुनूनी मैच। ये जरूर मेरा मानना है इन कंडीशंस में पाकिस्तान टॉप चार टीमों में से डेफिनेटली एक होगा। एग्जैक्टली, कि आपने टॉप 4 टीम्स में पाकिस्तान को शामिल किया है। अब जो सर अहमदाबाद का मैच, इट्स अ बिग गेम, इंडिया के अंदर होगा, बड़ा क्राउड होगा, बहुत बड़ा लोग, मीडिया, एक बड़ी हाइप होगी, प्रेशर किसके ऊपर होगा, इंडियन टीम के ऊपर या पाकिस्तानी टीम के ऊपर? इंडिया पे होगा। क्यों होगा, क्यों? क्योंकि एक तो इंडिया से आप तकवात ये है ना कि आप वर्ल्ड कप जीते, अपने घर पे जीते। 11 में इंडिया अपने घर पे जीता, 15 में ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे जीता, 19 में इंग्लैंड अपने घर पे जीता, तो फिर वो लोग तो कहेंगे ना यार देखो ये शायद बेस्ट आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट अब होगी, इसके बाद ट्रांजिशन में जैसे मैंने कहा अब नीचे आएंगे, तो इंडिया पे प्रेशर होगा। जब आप ये कहते हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है, आप थोड़ा पीछे भी जाएं, मैं आपको लेके जाऊंगा माजी में, तब तक आप देखें होम एडवांटेज टीमों के काम नहीं आया। 5 में जब आप आए, आपने टेस्ट सीरीज ड्रॉ की और आप वनडे सीरीज एक नई टीम के साथ जीते। पॉइंट इसकी जरूरी नहीं है कि इंडिया में मैच है तो इंडिया को ही एडवांटेज है। हाँ, कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर इंडिया को एज कंपेयर टू पाकिस्तान बाकी टीमों के खिलाफ ज्यादा एडवांटेज होगा, बट अगेन पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन एक ही जैसा मौसम होता है, विकेटें एक जैसी नहीं होती, क्योंकि आपके पाकिस्तान की पिचेस और इंडिया की पिचेस में थोड़ा फर्क है। इंडिया में थोड़ा फ्लैट विकेट होता है, गेंद बल्ले पर आता है। मेरा ये मानना है कि इस बार वर्ल्ड कप में पोस्ट ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर होगा। भाई जो टीम टॉस हारेगी डेफिनेटली 20% एडवांटेज उसके हाथ से निकलेगा, बिकॉज वी रहते हैं तो ओस गिरनी ही गिरनी, आप जानते हैं, स्पेशली अहमदाबाद की आपने बात की, तो अहमदाबाद में उन दिनों में ओस होनी चाहिए, तो ओस आ गई, पता चला जी एडवांटेज इधर की बजाय उधर चले गया। पाकिस्तान का बस यही है कि मतलब आप T20 बहुत अच्छा खेले हैं, क्या आप उसको वनडे में रेप्लीकेट कर पाएंगे? लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें जो दुनिया जहां पे खड़ा है, मैंने टॉप चार में कहा था इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, बट यार आप भी अपने दिल पे हाथ रखें और मैं भी अपने दिल पे हाथ रखूं, होम एडवांटेज, कंडीशंस, वो सब छोड़ दीजिए, क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से बेहतर इंडिया और पाकिस्तान है वाइट बॉल क्रिकेट में? क्या आपको लगता है कि ऐसा है? क्योंकि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया
भी 400 रन बनाएगा, इंग्लैंड भी हो सकता है 400 रन बनाए। क्या इंडिया और पाकिस्तान कंसिस्टेंटली आप आंख बंद करके उम्मीद कर रहे हैं ये 400 बनाएंगे? एक चीज जानना चाहता हूँ सर, पाकिस्तान के अंदर बड़ी एक्साइटमेंट है, हम देख रहे हैं कि हमारे चाय खानों पर, ढाबों में, घरों में डिस्कशन ही आजकल वर्ल्ड कप के हवाले से, और पॉलिटिक्स तो खैर बहुत ज्यादा हो ही रही है, लेकिन इंडिया के अंदर माहौल क्या है इस सारी चीज को लेकर? जाहिर आप लोग होस्ट हैं और फिर पाकिस्तान अगर इतने ऐसे वहां पर जाकर, माहौल क्या है इस वक्त? एक एक्साइटमेंट है, सोच क्या वहां पर एक परवान चढ़ रही है? आप भी वेलकम है, आपकी टीम भी वेलकम, और आप जानते हैं कि ये मीडिया में ही ये लड़ाई होती है। द मोमेंट टीम आपकी पाकिस्तान की यहाँ पे आएगी, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी फिक्र होनी चाहिए। और देखिए